पास नहीं है वो अभी से नीचे हटने। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव का सियासी बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है और आज चित्रकूट में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन होना है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जनसभा का जो जनसैलाब है वो यहाँ पे उमड़ चुका है अपने नेता को सुनने के लिए। जो जिला अध्यक्ष आ रहा है उसे अनुरोध है देखते हुए आपको एक उम्मीदवार के तौर पर उतारा कर भी सदस्य मेरे साथ अनिल प्रधान है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अनिल जी पहले तो बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में जो तीन चरणों का चुनाव हुआ है उसमें से स्पष्ट हो चुका है कि भारी मेजोरिटी के साथ समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चित्रकूट में उन्होंने एक 28 साल के लड़के जो किसान और मजदूर घर का व्यक्ति है और केवल समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय कर सकते हैं, मौका देने का काम कर सकते हैं, तो हर जगह यह संदेश जा चुका है। और इस बार का चुनाव पार्टी बाद में लड़ रही है, पहले जनता ने खुद तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को हटा के समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर कोई भी खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है वो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी। इतना सरल तो नहीं है, इतना सरल आपने शब्दों से कह दिया। एक उम्मीदवार ऐसा है जो मंत्री रह चुका, दोबारा फिर लड़ रहा है वो उम्मीदवार, एक अनुभव सामने है, एक सामने एक युवा जोश है, लड़ाई है किस तरह से, मुद्दों की होगी या जाति समीकरणों में सिमट जाएगा चुनाव? देखिए जनपद चित्रकूट में मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा विकास के नाम पर और अपने विकास और अपने संघर्ष के नाम पर वोट मांगने का काम हो रहा है। जरूर इस बार की लड़ाई जो चित्रकूट में है लुटेरे बनाम कनेरे की है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का सपोर्ट मिल रहा है हर गांव में जो है, जब जैसे ही पता चलता है कि उनका बेटा उनका भाई अनिल प्रधान गांव में आ रहा है, अपने आप लोगों का जो है रुझान बढ़ रहा है और वो किसी भी जात धर्म के हों। इस बार चित्रकूट की विधानसभा में जात धर्म जब नहीं चलने वाला और केवल जो संघर्ष कर सकता है या जो लोगों की मदद करने का काम कर रहा है उसके साथ जनता पूर्ण रूप से खड़ी हो चुकी है और ये आगामी 10 तारीख को जिसमें ये दिख रहा था कि भाजपा वालों का, लेकिन जब भाजपा के लोगों से विरोधी पक्ष का गांव है, ये गांव उन लोगों का है जो अनिल प्रधान को जबरन जिताना चाहते हैं, ऐसा क्या आरोप करूंगा कि वो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं लेकिन सच्चाई वो नहीं है। ये जनता है, ये जनता न तो अनिल प्रधान की है न तो बीजेपी की है, ये जनता है। आज अनिल प्रधान उनको लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा था, आगे आने वाले समय में अच्छा काम करेगा तो मेरे साथ है। और जिन गांव की बात कर रहे हैं उन्हीं गांव में पिछले 5 साल पहले भी बीजेपी के लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ था, तो ये आरोप गलत है। लेकिन जितना मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से जनता का सपोर्ट और आशीर्वाद अपने बेटे अपने भाई को मिलने जा रहा है, मुझे लगता है जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं से ऐतिहासिक जीत होने वाली है। पूरा करेंगे ऑलरेडी जो बीजेपी प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया, ब्रिज दे दिया, रोजगार दे दिया और एक नया आयाम छोड़ रहे हैं विकास को लेकर, तो उस एक आयाम के बीच आपके कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के बीच पैठ बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लोग जो भी चीज कह रहे हैं 5 साल जो हमारे जनता ने उनको देख लिया है, अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर में जो रीवा से यहाँ की जनता के बेटे और भाई के तौर में मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का काम करूंगा, क्योंकि मैं अस्पताल में मैंने काफी समय दिया है लोगों की, मैंने सेवा करने काम किया और बड़ा दुख होता है जो वहाँ की बदहाली है, जो वहाँ का जो सिंडिकेट एक जिले में अघोषित सिंडिकेट चल रहा है मेडिकल, अगर मुझे मौका मिलता तो सबसे पहले मैं चिकित्सा व्यवस्था को सुधारूंगा। दूसरी समस्या मैं जो हल करने का प्रयास करूंगा किसानों को आसानी से खाद बीज और जो नहरें हैं उनकी आराम से खेतों तक पानी पहुंचे। तीसरा जो हमारे नौजवान है उनको कैसे मैं रोजगार की व्यवस्था कर पाऊँ इस पर भी सोचूंगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ किसान तमाम सारे फसल उगाते हैं, आलू उगाते हैं, इस तरह की जो फसलें या जो है उनको कैसे जो मार्केट में ले जाए, कैसे उनको जो है ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहित करके लोगों को किसानों को फायदा हो, इसके बारे में मैं काफी चीजें मेरे प्लान दिमाग में है और जनता के सहयोग से उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। कुछ ही दिनों में एक कार्यक्रम है, सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे उनके जो समर्थक थे उन्होंने पुतला फूंका, कुछ बात शांत भी हुआ, कुछ लोगों ने भी कहा कि पटेल दो वर्गों में चला जाएगा जो प्रधान को टिकट मिल गया, ये जो जाति समीकरण बनते हैं जो हमारे चुनाव किसी जात धर्म और चित्रकूट में पहले कुछ भी होता रहा होगा, लेकिन इस बार का चुनाव जनता जनार्दन किसान मजदूर व्यापारी और हर एक वर्ग अर्थात आम जनमानस लड़ रहा है। इस बार जात की लड़ाई नहीं है, इस बार लड़ाई इस बात की है कि जो व्यक्ति काम करेगा जो लोगों की मदद करेगा उसको जनता चुनने जा रही है, जात पात की कोई बात नहीं और हम सब एक परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से होता है एक परिवार में तमाम सारे मुद्दों को लेकर होता है, लेकिन हम पूरा परिवार एकजुट है और सबने मन बना लिया है, क्योंकि लड़ाई अनिल प्रधान बाद में लड़ रहा है, पहले लड़ाई हमारे सबके नेता मेरे भगवान आदरणीय अखिलेश यादव हर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये है आपसे, सपा जिला अनिल प्रधान धन्यवाद।
भाजपा प्रत्याशी का, तो सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कौन सी मशीन लगा दी गई कि जो श्री चंद्रमा प्रसाद यादव पूर्व जिलाध्यक्ष यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ करके अपना स्थान ग्रहण करें। आरोप लगना स्वाभाविक है और इसका जवाब भी उनको देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनसे इस प्रश्न से मैं ना इत्तेफाक रखे। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने 11 साल तक लोगों के लिए संघर्ष किया है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि 6-6 दिन घूम लड़ाई वाले व्यक्ति हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ कि त्यारा भर खून देने वाला व्यक्ति हूँ। वो अगर कोई घटना घटती है तो हो सकता है उसके परिजन बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मदद करने का काम करता हूँ। तो इस मुद्दे में टिकाना चाहता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। सवाल इस बात का नहीं कि अगर मैं उनकी मदद करता हूँ खून देता हूँ, सवाल ये नहीं कि अगर मैं किसी की मदद कर दिया, किसी की पोस्टमार्टम करा दी, किसी आधार की मदद करा दी, तो उस आधार में पड़ी हुई है मुझे उनको सामने लगवा दें। उनसे बेहतर उस सामने लगवा दें उनको जो है सभी साथियों का अनुरोध है तो मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो 75 साल में नहीं हुआ होगा। ये बगल में जो समाधान हुआ है टेंट का, यह व्यवस्था पैदा कर रहा है। जो भी साथी हो ये टेंट का सामान यहाँ बगल से जो बाएं साइड सामान आपका फालतू पड़ा है इसको हटा लें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज मंत्री।